आज हम आपको पाइथन विंडोज में कैसे इंस्टॉल करें और पाइथन में फिर अन्य पैकेज कैसे इंस्टॉल करें। उसके बाद पाइथन में हम गूगल टेक्स्ट टू स्पीच का पैकेज इंस्टॉल करेंगे और तदुपरांत टेक्स्ट टू स्पीच जो है पाइथन के थ्रू हम यूज करके प्रोग्राम यूज करके बताएंगे, जिसमें सिंपल हिंदी में टेक्स्ट लिखा हुआ फाइल है, एक फाइल होगा जिसमें हिंदी में टेक्स्ट लिखा होगा, उस फाइल को रीड करके उसमें जो भी डेटा है उसको टेक्स्ट टू स्पीच इंजन के थ्रू वाक्य में पार्ट से वाक्य में कन्वर्ट करके उसे प्ले करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करने के लिए विंडोज में आपको गूगल में जाना होगा और गूगल में आप लिखिए पाइथन इंस्टॉलेशन फॉर विंडोज। डाउनलोड पाइथन पैकेज एंड इंस्टॉल पाइथन पैकेज। python.org साइट को ओपन करिए और पाइथन फॉर विंडोज को डाउनलोड कर लीजिए। पाइथन फॉर विंडोज रिलीज को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद मैं हमारे पास डाउनलोडेड है तो मैं आपको दिखाता हूँ डाउनलोडेड फाइल पाइथन 8.3.exe। इसको डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। डबल क्लिक करने पे इंस्टॉल होगा जैसे विंडोज प्रोग्राम में और भी प्रोग्राम में इंस्टॉल करते हैं, इसी तरह से इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद जो है पाइथन का जो है डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएंगे और वो डायरेक्टरी कहाँ पे होंगे, जिस यूजर से मैंने इंस्टॉल किया उस यूजर के डायरेक्टरी होंगे। सी यूजर्स अंदर माय ऐप डेटा, ये ऐप डेटा जो फोल्डर है ये आपको दिखेगा नहीं, तो फोल्डर ऑप्शन में जो है क्योंकि ये हिडन होता है इसलिए नहीं दिखेगा। जैसे मैंने अनहिडन फाइल को अनचेक कर दिया था, माय डेटा नहीं दिख रहा, तो आप कैसे जाएंगे वहाँ पे, इसको हिडन फाइल को आइटम को एक्टिवेट कर दीजिए। ऐप डेटा फाइल्स इसके अंदर लोकल्स, लोकल के अंदर प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स के अंदर पाइथन जो है इंस्टॉल हो जाएगा। पाइथन की डायरेक्टरी python.exe फाइल ही है, उसको रन करेंगे तो पाइथन का कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, यानी पाइथन इंस्टॉल हो गया। पाइथन इंस्टॉल होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में GTTS पैकेज, को इंस्टॉल करेंगे। GTTS पैकेज इंस्टॉल करने के लिए स्क्रिप्ट में जाएंगे। स्क्रिप्ट फोल्डर में एक इजी इंस्टॉलर फाइल है, इसके थ्रू हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट में हम फिर से इस जगह पर जाएंगे, पहले स्क्रिप्ट तक जाएंगे। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में स्क्रिप्ट तक गया सीडी करके, स्क्रिप्ट फाइल के बाद मैंने इजी इंस्टॉल GTTS कमांड को इस कमांड प्रॉम्प्ट पर रन किया।
डाउनलोड करके ये GTTS फाइल को डाउनलोड करता है अपने आप ऑटोमेटिकली और इंस्टॉल कर देता है। जब ये GTTS फाइल इंस्टॉल हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोग्राम लिखेंगे। हमने प्रोग्राम लिखा हुआ उसको आपको दिखाते हैं। पहली लाइन जो है इंपोर्ट कोडेक किया, क्योंकि हमको यूनिकोड फाइल को सर्च करना है। सिंपल फाइल यदि हमको इंग्लिश टेक्स्ट फाइल्स को रीड करना है तो हमको ये जरूरत नहीं है। डायरेक्टली फाइल को ये ऑप्शन फाइल ऑप्शन को रीड कर सकते हैं, फाइल रीड ऑप्शन डायरेक्ट चला सकते हैं। हमको यूनिकोड टेक्स्ट को रीड करना है तो इम्पोर्ट कोडेक्स को यूज करना पड़ेगा। फिर सेकेंड लाइन में मैंने फ्रॉम GTTS जो मैंने पैकेज इंस्टॉल किया था उस पैकेज को इंपोर्ट किया, और एक इंपोर्ट किया OS का, OS पैकेज का। फर्स्ट फाइल को हम रीड करते हैं। फाइल का नाम है test.txt जो मैंने इसी स्क्रिप्ट पाइथन डायरेक्टरी में मैंने बनाया test.txt, जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं यूनिकोड में और हिंदी में लिखे हुए हैं। इसको रीड करेंगे और इसको TTS स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो फाइल क्या है, तो मैंने फर्स्ट रीड किया फाइल को ओपन। कोडेक एक प्रॉपर्टी है, फाइल ओपन प्रॉपर्टी, ओपन मेथड है। इसमें फाइल का नाम दिया, फाइल को रीड एंड राइट मोड में किस में ओपन करना चाहते हो, तो R फॉर रीड मोड, W फॉर राइट मोड, तो R मोड में किया। और UTF-8 जो फाइल है इस test.txt इसके अंदर UTF जो फाइल है उसमें इनकोडिंग मेथड है, इसमें इनकोडिंग मेथड जिसे मल्टी मेथड से फाइल क्रिएट हुआ है वो UTF-8 है, यानी यूनिकोड फाइल है। फाइल को ये ऐप में यूज किया और ऐप दर रीड करके मैं एक वेरिएबल में माई टेक्स्ट वेरिएबल में फाइल में जो भी कंटेंट था उसको रीड कर लिया। लैंग्वेज में मैंने इसका HI कोड फॉर हिंदी इस लैंग्वेज के लिए यूज करना, जैसे कमेंट बनाने के लिए हैश यूज करते हैं। अच्छा, फॉर हिंदी लैंग्वेज एन फॉर इंग्लिश एक्सेट्रा। एक ऑब्जेक्ट माई ऑब्जेक्ट नाम से बनाया जिसमें GTTS तो मैंने इंपोर्ट किया था, GTTS के फंक्शन यूज किया टेक्स्ट, GTTS ब्रैकेट में टेक्स्ट रो इक्वल टू माई टेक्स्ट, माई टेक्स्ट में जो मैंने रीड किया था फाइल से वो टेक्स्ट दिया। लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में हमने ये टेक्स्ट थी हिंदी लैंग्वेज में थी HI, और स्लो स्पीड स्लो रखना या हाई रखना इसके लिए। ये फाइल कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट फाइल में और ऑब्जेक्ट डॉट सेम मेथड से इस फाइल को जो ऑडियो फाइल है उसको welcome.mp3 नाम से सेव कर लेंगे। और os.system कमांड से क्या करेगा, इस mp3 फाइल को रन करेगा। तो इस प्रोग्राम को इस माई मैंने फाइल क्रिएट की और फाइल को सेव कर लिया टेक्स्ट फाइल को पाइथन माई TTS ऑब्लिक हिंदी अंडरस्कोर हिंदी डॉट पाई नाम से सेव कर दी। इस फाइल को डायरेक्टली क्लिक करना चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको प्ले करेंगे, TTS डायरेक्टली प्ले हो सकता है क्योंकि पाइथन की फाइल है। इसको मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ और इसको प्ले करूंगा।
ओपन। कमेंट है फाइल को सेव किया। फाइल रन करने के बाद ये फाइल क्रिएट हो जाएगी, वेलकम डॉट txt फाइल। अभी क्रिएट हो गया। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहा जाता है, ध्वनियों का समुच्चय जिसे बोलने या सुनने से किस। इस तरह से हमने पाइथन कैसे इंस्टॉल करें विंडोज में, और विंडोज में फिर अन्य पैकेज इंस्टॉल कैसे करें। अन्य पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हम इसके जहाँ भी पाइथन इंस्टॉल करेंगे पाइथन की एक डायरेक्टरी बनेगी, सी यूजर्स अंजनी, मतलब जो भी यूजर्स हैं यूजर्स के अंदर ऐप डेटा के अंदर लोकल प्रोग्राम्स के अंदर पाइथन नाम का डायरेक्टरी हो, पाइथन 3832 नाम का एक डायरेक्टरी होगी। उसके अंदर जो है स्क्रिप्ट एक नाम का फोल्डर है, स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर में ईजी इंस्टॉल नाम का एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के द्वारा कमांड के प्रॉम्प्ट पे सी कमांड प्रॉम्प्ट पे हम जाएंगे और इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को के थ्रू हम पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे। GTTS पैकेज इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद मैंने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें फाइल से रीड किया, रीड करने के बाद टेक्स्ट को रीड किया और वो GTTS के थ्रू गूगल टेक्स्ट टू स्पीच के थ्रू उसको प्ले करके दिखाया।